हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज की क्लास में आपका स्वागत है। और हम लोग पढ़ रहे थे इंडियन सोशियोलॉजिस्ट की सीरीज़। ठीक है, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट की सीरीज़ में आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है मीरा कौशाम्बी। जो मीरा कौशाम्बी है ये इंडियन सोशियोलॉजिस्ट है। इनका जन्म होता है 1939 में और इनकी जो डेथ होती है 2015 में। ठीक है फ्रेंड्स, कब होता है जन्म? 1939 में। ये याद रखने वाली बात है। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो जाने जाते हैं ये जाने जाते हैं वुमेन स्टडीज़ और अर्बन स्टडीज़ के लिए। तो मीरा कौशाम्बी किसके लिए जाने जाते हैं? वुमेन स्टडीज़ और अर्बन स्टडीज़ में। ठीक है, मीरा कौशाम्बी डीडी कौशाम्बी की बेटी है। ठीक है, और डीडी कौशाम्बी कौन है? डीडी कौशाम्बी इंडिया के मशहूर हिस्टोरियन और मैथमेटिशियन रहे हैं। इन्होंने मैथमेटिक्स में कुछ फॉर्मूलाज भी याद किए थे। ठीक है, और जो मीरा कौशाम्बी है इनका जो स्टडी हुआ है, जो इनकी पीएचडी इन्होंने की है, वो कहाँ से किया है? यूनिवर्सिटी ऑफ स्टॉकहोम से। ठीक है फ्रेंड्स, मीरा कौशाम्बी आजकल जो एग्ज़ाम है, जैसे नेट है या जो राजस्थान का असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम है या यूपी के जो एग्ज़ाम है, इनमें मीरा कौशाम्बी को ऐड किया गया है। मतलब उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया है, जैसे आरपीएससी ने तो स्पेसिफाई किया है, बट और जो कमीशन है इन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया है, बट वुमन स्टडीज़ और अर्बन स्टडीज़ उन्होंने अपने सिलेबस में ऐड किया है। ठीक है, तो मीरा कौशाम्बी को पढ़ना एक ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, मीरा कौशाम्बी की जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इनकी किताबें हैं। ठीक है, बहुत इन्होंने कोई कॉन्सेप्ट नहीं दिया है, ऐसा कुछ नहीं कि कोई बहुत बड़ा एक कॉन्सेप्ट या उदाहरण इन्होंने दे दी हो, बट इनकी जो बुक्स है वो याद रखने वाली है। ठीक है, तो इनकी बुक्स एक बार देख लेते हैं। इनके जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं उसमें है पंडित रमाबाई, ठीक है, क्रॉसिंग थ्रेशोल्ड, जेंडर कल्चर एंड परफॉर्मेंस, ए फ्रेगमेंटेड फेमिनिज्म और बॉम्बे ट्रांजिशन। ठीक है, सारी किताब इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, सभी को ढंग से पढ़ के जाना, सभी को एग्जाम में पूछा जा सकता है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कौन सी बुक्स मीरा कौशाम्बी की है और कौन सी बुक्स नहीं है। ठीक है, तो यही इनकी इंपॉर्टेंट किताबें हैं। आज की क्लास में फ्रेंड्स इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।